अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 11 करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड का पेपर होता है ना, उसमें ये जो चैप्टर होते हैं 9 क्लास मैथ जो है ना, वो 10 11 से लेकर 16 जितने भी चैप्टर हैं, इनकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें से आपको क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने अच्छी तरह से कर लेने, अगर कोई कंफ्यूजन हुआ, कोई मसला हुआ तो आपने मुझे कमेंट के जरिए बता देना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द अननोन। अब अननोन का मतलब क्या होता है? अननोन का मतलब होता है बेसिकली जो इसमें अननोन है। अब अननोन क्या है? इसमें ये एम है, एन है, एक्स है और वाई है। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करें देखें। ये आपके पास एम डिग्री है, ये एक्स डिग्री है, ये एन डिग्री है, ये 75 डिग्री है। तो देखें, जो होती है ना पैरेललोग्राम, बेसिकली होती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है? जिनमें अपोजिट साइड की होती हैं इक्वल होती हैं, और इसमें जो पैरेलल साइड जो है ना वो भी आपस में इक्वल होती है। देखिए, ये अपोजिट साइड के आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल भी होंगी। अब देखें, अब ये जो है ना एम डिग्री, ठीक है, अब एम डिग्री होगा एक्स डिग्री के इक्वल, एन डिग्री होगा 75 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो आप देखें ये जो है ना एन डिग्री इज इक्वल टू कितना जाएगा? 75 डिग्री। इसको आप क्या लिखेंगे? ये क्या होगा? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं? वो एंगल होते हैं जो आमने सामने के जो होते हैं एंगल, वो आपस में इक्वल होते हैं इन पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके पास एन डिग्री, मतलब एन का हमारे पास आंसर आ गया 75। अब किसका रह गया हमारे पास? अब हमारे पास रह गया एम डिग्री, एक्स डिग्री और वाई डिग्री। अब देखें, ये 75 डिग्री है प्लस एम डिग्री है, इसको हम अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन कर दें, तो देखो स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। अब देखें, इसको मैं लिखूंगा एम डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका टोटल एंगल कितना का होता है? 180 डिग्री का होता है। अच्छा, अब ये देखें, ये 75 डिग्री है ना, ये यहाँ पर प्लस है, उस साइड बचा के हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एम डिग्री इज इक्वल टू क्या जाएगा? 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, अब एम डिग्री इज इक्वल टू का जाएगा 105 डिग्री। अब देखो ये आपके पास क्या आ गया? एम डिग्री का आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें, ये एम डिग्री है और ये एम डिग्री का एंगल किस एंगल के इक्वल होगा? वो होगा एक्स डिग्री के, क्योंकि ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं जो होगा ना एम डिग्री इज इक्वल होगा एक्स डिग्री। एम डिग्री का आंसर क्या है? 105 डिग्री इज इक्वल टू एक्स डिग्री। तो इसका मतलब हुआ जो एक्स डिग्री है वो हमारे पास क्या आ गया? 105 डिग्री आ गया। अब किसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास? अब वैल्यू हमारे पास रहेगी वाई की। अब वाई आप कैसे निकालेंगे? देखें, ये यहां तक एंगल है एक्स डिग्री। अगर मैं इसे मुकम्मल कर दूं, देखो ये मुकम्मल हो जाए, तो देखो ये मुकम्मल जब होगा, ये एक लाइन का एंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन का। जो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री। तो इसको आप लिखेंगे एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है जो हमने फाइंड किया हुआ है एक्स डिग्री, वो है 105 डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्लस है, उस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो y डिग्री का आंसर फिर आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 75 डिग्री। तो देखो, हमने सारे एंगल्स में फाइंड कर लिए, n डिग्री वो भी फाइंड कर लिया, m डिग्री वो भी फाइंड कर लिया, h डिग्री भी फाइंड कर लिया और y डिग्री भी हमने फाइंड कर ली। हमने इस क्वेश्चन में ये वैल्यू फाइंड करनी थी। अब ये जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और एम की। अब देखें, ये जो है ना पैरेललोग्राम, इसमें भी आपने ऐसे यूज करना, जो कंसेप्ट वहां यूज करना स्ट्रेट लाइन का, इसमें भी आपने यही कंसेप्ट यूज करना है। देखें, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ये वाली देखिए स्ट्रेट लाइन बन गई। तो आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन है उसका एंगल होता है 180 डिग्री, उसको आप लिखेंगे 5m प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉरी प्लस करेंगे 55 इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखें, 5m प्लस 10 डिग्री प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो 5m 10 प्लस 55 ये होता है 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5m इज इक्वल टू क्या जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ठीक है। तो 5m आ जाएगा 180 में से 65 आप माइनस करते हो जाएगा 115 डिग्री। तो ये 5m इज इक्वल टू आ जाएगा 115 डिग्री। अब देखें 5m के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए एम का आंसर आ जाएगा एम इज इक्वल टू 115 ओवर 5। तो 5 आंसर 5, 5 2 आर 10 क्या बचेगा 1, 5 3 आर 15 देखो एम का आंसर क्या आ गया 23 आर। अब ये तो आपने फाइंड कर लिया एम, अब आपने ये भी फाइंड करना है। उसने कहा था फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड एम, अब आपने एम की वैल्यू फाइंड कर ली, अब किसकी रहेगी एक्स की। एक्स की आप कैसे निकालेंगे, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये देखिए इसके कोरस्पोंडिंग एंगल के थ्रू आप, तो 11x नॉट इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए अब ये चीज इधर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो x डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 55 डिग्री ओवर 11, x इक्वल आंसर आ जाएगा 5 डिग्री, 11 वन जार 11, 11 5 जार 15। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया x डिग्री का भी, देखिए ये हमारे पास x डिग्री आ गई, हमारे पास m डिग्री आ गई। तो हमने यही इसमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर जरिए पूछ सकते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।